For more videos, please subscribe Technical Help and press the bell icon to get first notification of our technical videos. See something techie, see something helpful. हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्निकल हेल्प। और आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप अपने एंड्रॉयड फ़ोन के कैमरे से ही DSLR जैसी फ़ोटोज़ ले सकते हैं। जी हाँ, अब आप अपने फ़ोन के कैमरे से ही DSLR जैसी फ़ोटोज़ ले सकते हैं। जैसे कि आपको आईफोन और पिक्सल वगैरह फ़ोन में आपको ऑप्शन मिलता है पोर्ट्रेट सेल्फ़ी या फिर पोर्ट्रेट फ़ोटोज़ लेने का, वैसी कुछ फ़ोटोज़ आप ले सकते हैं अपने नॉर्मल एंड्रॉयड फ़ोन से। यानी कि अब आपके जो बैकग्राउंड होगा वो ब्लर रहेगा, या फिर आप चाहें तो अपने बैकग्राउंड को चेंज भी कर सकते हैं किसी अदर बैकग्राउंड को लगाकर। तो आज की वीडियो आप प्लीज़ पूरा लास्ट तक देखते रहिए। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको एक ऐप इंस्टॉल कर लेनी है। इस ऐप की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगी। ऐप ओपन करने के बाद कुछ इस तरह का आपको इंटरफेस दिखेगा, आपका कैमरा जो है ओपन हो जाएगा। आप चाहें तो यहाँ पर अपनी फ़ोटोज़ ले सकते हैं, या फिर आप यहाँ पर जाकर गैलरी से भी अपनी कोई भी एक इमेज को ले सकते हैं। तो यहाँ पर मैं अपनी फ़ोटोज़ ले कर दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर आपको सिंपल जो है कैमरे पर क्लिक करना है, और उसके बाद आपकी फ़ोटो जो है क्लिक हो जाएगी। अब यहाँ पर 5 से 6 सेकंड लेगा आपकी जो फ़ोटो है उसको ये बैकग्राउंड ब्लर करने में। और उसके बाद आप देखेंगे तो आपका बैकग्राउंड जो है ऑटोमेटिक ब्लर हो चुका है, और कितनी कमाल की जो है हमारी सेल्फी निकल के आई है। ऐसी सेल्फी आपको आईफोन या पिक्सल वगैरह में आपको देखने को मिलती है, जिसमें आपको पोर्ट्रेट सेल्फी का ऑप्शन मिलता है। तो यहाँ पर आप अपने किसी भी फ़ोन के कैमरे से इस तरह की सेल्फी ले सकते हैं, या फिर इस तरह की फ़ोटोज़ ले सकते हैं जिसमें आपका जो बैकग्राउंड होगा वो ब्लर रहेगा। उसके बाद आप इसको सेव या शेयर भी कर सकते हैं। इसके अलावा भी इसमें काफ़ी सारे आपको ऑप्शन मिल जाते हैं इस ऐप के अंदर। तो अगर आप नहीं चाहते अपने बैकग्राउंड को ब्लर करना, आप चाहते हैं कि अपने बैकग्राउंड को आप हटा दें, रिमूव कर दें, तो आपको यहाँ पर और भी कई सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। यहाँ पर आपको अपनी इमेज को ही एनिमेटेड इमेज बनाने का ऑप्शन भी मिल जाता है कुछ इस तरह से। आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको कुछ इफेक्ट दिखाई देते हैं जिसको आप जो है सेव और शेयर भी कर सकते हैं। तो कुछ इस तरह के इफेक्ट लगाकर अपनी फ़ोटो को एनिमेटेड फ़ोटो या फिर जिप में कन्वर्ट कर सकते हैं, और उसे सेव करके शेयर भी कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर आपको काफ़ी सारे और भी ऑप्शन मिलते हैं। आप चाहें तो अपनी फ़ोटो का जो बैकग्राउंड है उसको पूरी तरीके से चेंज कर सकते हैं अपनी किसी भी गैलरी में पड़ी हुई इमेज के साथ। तो आई होप कि आपको यह ऐप काफ़ी ज़्यादा पसंद आया होगा, और उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो भी पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हमारी हर एक वीडियो मिलती रहे। और प्लीज़ बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे हमारी आने वाली हर एक नई वीडियो का।